खन्ना, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपोगे एड्यूटेनर पे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारी भर्तियाँ आपके लिए अब खुलने वाली हैं, उसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि अटकी भर्तियों से लॉकडाउन हटेगा और नौकरी की राह खुलेगी। गहलोत सरकार ने जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले बहुत सारे वीसीओ से चर्चा की थी और वो जितने भी कानूनी दावपेच हैं उसके बारे में वो चर्चा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें तो सीकर से ये खबर आ रही है, प्रदेश के नियमों में फेर में उलझी सरकार की भर्तियों की राह में जल्दी खुल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी के चार दिन से सभी विभागों के अटकी भर्तियों के पेच सुलझाने में जुटे हैं। अब जून में नौकरी की राह खुल सकती है। कार्मिक विभाग व सीएमओ ऐसी भर्तियों की जानकारी जुटा रहा है जिनका अंतिम परिणाम या तो जारी हो चुका है या भर्ती विवाद में नहीं है। कोर्ट में विचाराधीन भर्तियों पर भी सभी विभागों की स्टेटस की जानकारी ली जा रही है। काउंसलिंग के आधार पर प्रथम पदस्थान के निर्देश के बाद विभाग नए सिरे से तैयारी कर रहा है। मैं एक बता दूँ, युवाओं ने एक बहुत बड़ी मांग भी की है जो कि एक कैलेंडर की है, क्योंकि कैलेंडर जारी होने के बाद तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। तो कैलेंडर के जारी करने के ही संदर्भ में उपेन यादव ने, जो कि प्रवक्ता है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, ने भी कैलेंडर की मांग की है। अभी बता दूं लगभग 25 से ज़्यादा भर्ती अटकी हुई है, जिसमें वन रेंजर भर्ती परीक्षा 2018, फार्मासिस्ट है, कांस्टेबल है, कनिष्ठ अभियंता है, एएसआई भर्ती है, आरएस है, इन्वेस्टिगेटर है। ये लगभग भर्ती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ तो मैं बता दूँ, एक ट्विटर वॉर चल रहा है वर्तमान में। ट्विटर पे बहुत से लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, परीक्षाओं में पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाने से बेरोजगारों में आक्रोश है। लॉकडाउन अवधि में ट्वीट के जरिए बेरोजगारों ने जिस मुहिम को शुरू किया, इसमें 10 लाख से अधिक ट्वीट हो चुके हैं। सर्वाधिक ट्वीट की श्रेणी में द्वितीय श्रेणी शिक्षक, पुलिस और आरएस भर्ती परीक्षा वाले बच्चे हैं। तो ड्यू टू द ट्विटर वॉर शायद यही कारण रहा कि एक नए तरीके से जो आंदोलन हुआ उसी के बाद अब सरकार इसमें जुट भी गई है। वैसे सरकारी दावों की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि 56,523 नियुक्ति को 15 महीने में दिया गया है, 12,341 पदों के लिए परिणाम जारी किया गया है और 26,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन वो दे चुके हैं और इस पे कार्य भी चल रहा है। तो ये आज की बहुत बड़ी खबर है। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप बस सिर्फ बस दिमाग लगाएं। हम अपोगे एंटरटेनर पे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं और फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इफ़ विल टॉक अबाउट हमारे जो हमने कार्य किए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जैसे हमारी वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको सभी कुछ आराम से देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। www.apogeeditorial.in। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा नेट स्लो है यहाँ पे, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, खैर हमारी वेबसाइट आप जाइएगा और वहाँ जाकर आप अपने सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी को आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट नोट्स और सब कुछ हमने आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल कराया है। नेट की थोड़ी समस्या लग रही है मुझे यहाँ पे इस समय वर्तमान में, इसका भी चलिए। तो लगातार बने रहें अपोगे ट्विटर पर और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।